नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में हरियाली अमावस्या के मौके पर मासूम बच्चों ने समाज को, पर्यावरण को संरक्षित रखने और जल बचाने का संदेश दिया। ठाटीपुर के रामकृष्ण विद्या मंदिर में 500 से ज्यादा बच्चों ने अपने हाथों से ड्राइंग और राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। बच्चों ने जल संरक्षण और पर्यावरण को सुरक्षित रखने, ड्राइंग और राइटिंग में अपनी रचनात्मकता दिखाई, वहीं अपने विचारों को कला के माध्यम से व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के आयोजक स्वामी सुप्रीप्तानंद स्वामी एवं बाटर बुमन सावित्री श्रीवास्तव ने बच्चों को प्रेरित करने, उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की। वहीं उनका कहना था कि बच्चे समाज को नई दिशा दे सकते हैं। जल को बचाने की मुहिम बच्चों के माध्यम से एक नए मिशन को जन्म देगी। मैं सावित्री श्रीवास्तव वाटर वूमेन के नाम से जानी जाती हूँ और मुझे जल शक्ति मंत्रालय ने भी मुझे अवार्ड किया है हीरो वाटर हीरो की उपाधि से, और उसके साथ में उन्होंने मुझे कुछ नगद राशि से भी पुरस्कृत किया है। मैं पूरे देश में काम कर रही हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके। यहाँ स्कूल में 500 बच्चों का एक कॉम्पिटिशन कराया है मैंने, जिसमें उनका ड्राइंग कॉम्पिटिशन है और एक लेक कॉम्पिटिशन है, जिसके माध्यम से बच्चे सेव वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को उसमें उकेरेंगे और उसमें लिखेंगे। क्योंकि अब हम लोगों को तो पानी की क्राइसिस से गुजर ही रहे, लेकिन बच्चे जो हैं उनका भविष्य कैसा होगा बिना पानी के। क्योंकि एक छोटा सा स्लोगन है ना कि जल है तो कल है, लेकिन मैं कहती हूँ जल है तो प्रकृति है, जल है तो सृष्टि है, हमारा जीवन ही जल से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन आए वो कैसे पानी को बचा सकें घर में, क्योंकि छोटे बच्चे ही सबसे ज़्यादा पानी को फैलाते हैं, तो उनको अवेयरनेस उनमें आए, उसके लिए छोटा सा कंपटीशन कराया है। वो अपनी भावनाओं को उसमें बताएंगे किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको आइडिया कैसे आया कि आइडिया तो इस मतलब घर से आया है, क्योंकि बच्चे हम देखते हैं ना घर में सबसे ज़्यादा बच्चे ही पानी को वेस्ट करते हैं, और आने वाले समय में जब पानी की जो क्राइसिस चल रही है तो आने वाले समय में सबसे बड़ा जो है जो फेस उनको ही करना पड़ेगा। क्योंकि पानी अभी तक तो हम लोगों को पानी मिल पा रहा है, लेकिन आगे आगे पानी की जो क्राइसिस बढ़ रही है तो वो उसको फेस ना कर पाए, ऐसी क्राइसिस ना हो कि उन्हें उस स्थिति से गुजरना पड़े, उसके लिए अभी से उन्हें अवेयर करना पड़ेगा बच्चों को सेव वाटर के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। आज ये ड्राइंग कंपटीशन कराया जा रहा है, किस तरह से कराया जा रहा है? हाँ, ये ड्राइंग कंपटीशन ये RKVM स्कूल में कराया जा रहा है, जो कि स्वामी जी के थ्रू किया जा रहा है, और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी मोर देन 380 बच्चे हैं, क्लासेस क्लास 1 to 8 लगभग 500 बच्चे हैं, जिनको हम लोगों ने सेव वाटर के ऊपर अवेयरनेस के लिए एक यहाँ पर कंपटीशन रखा है, जिसमें बच्चे ड्राइंग के थ्रू अपने इनोवेटेड आइडियाज़ बताएंगे, हम लोग कैसे कैसे वाटर सेव कर सकते हैं, और अपने ऐसे के थ्रू बताएंगे कि हम लोग कैसे आगे पानी बचा सकते हैं और आज की डेट में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों के अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा भी और कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं आपके द्वारा? इसके अलावा हमारे ऑल ओवर इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संस्था है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है छोटे छोटे, और प्लस साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पिट्स लगाती है और सबको अवेयर करती है, क्लासेस लेती है और हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिससे हम लोग सबको अवेयर कर सके कि आप पानी कैसे बचा सकते हैं, हम लोग आने वाले समय में पानी की क्या क्राइसिस होने वाली है, उन सबको लेकर हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। ग्वालियर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, क्या इसके उसको लेकर जिला प्रशासन से आपने कोई बातचीत वगैरह करी है? जिला प्रशासन से हम लोगों ने काफ़ी बात की है, और उन्हीं के साथ मिलकर, स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर हम लोगों ने ग्वालियर शहर में 21 कुएं बावड़ी रिचार्ज कर चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पहले के टाइम में वो कुएं बावड़ी सूखे पड़े थे, कचरा भरा हुआ था, उनको हम लोगों ने रिचार्ज किया है और उसमें आज की डेट में पानी आ रहा है, उसी पानी को हम लोग आगे जो पब्लिक होती है उनको सर्व कर रहे हैं। आज ये राइटिंग कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है, किस तरह से कराया जा रहा है, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं इसमें, कौन कौन से स्कूल से आए? आज के परिप्रेक्ष्य में पानी बचाना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। लोक संख्या बढ़ रही है, लेकिन पानी का सीज़न तो उतना ही है, तो अपने पास एक ही विकल्प बचता है कि समाज को पानी बचाने के लिए प्रोत्साहित करें, और वो प्रोत्साहन बच्चों के अलावा और कहीं अच्छा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए डिप्स नीर नामक एक संस्था है, उनके सर्वेसर्वा
सावित्री श्रीवास्तव जी है, उनका बेटा आकाश है, ये लोगों ने ये ग्वालियर एरिया में एक बहुत ही एक इनोवेटिव और अनुकरणीय एक प्रयास किया है, जिसके तहत उन्होंने अभी तक 7,00,000 मिलियन लीटर पानी अभी तक ज़मीन के गर्भ में डाला है। तो यही प्रयास को हमारा योगदान देने के लिए रामकृष्ण मिशन CBSE स्कूल की ओर से हमारे बच्चों में वो अवेयरनेस देने के लिए, हमारे बच्चों को अवेयर करने के लिए यहाँ आज ड्राइंग कंपटीशन और एसे राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया है। उसका थीम है वाटर द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी, या पानी जल ही जीवन है। तो इस अंतर्गत क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन है और क्लास 6 से लेकर 8 तक का एसे राइटिंग कंपटीशन है, वही कंपटीशन चल रहा है और लगभग 500 के आसपास बच्चे आज की इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सिर्फ इसी स्कूल के बच्चे हैं या किसी? यही स्कूल के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे।